हाय मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मिडिल क्लास फैमिली रसोई। आज मैं नारियल को हम यूज़ करते हैं लेकिन नारियल का शेल को हम फेंक देते हैं, लेकिन उससे हमने फेंकने का नहीं है, उससे हमने कितना सारा यूज़ कर सकते हैं तो, और इस तक के हमने अच्छा फूड भी बना सकते हैं। तो कैसे हमने इसको यूज़ कर सकते हैं मैं आपको बता देती हूँ। आइए हम किचन में जाएंगे। देखिए मैंने नारियल का शेल ले लिया है, उसका अंदर का नारियल पल्प सब निकाल के उसके बाद हम शेल फेंकते हैं ना। शेल ले लीजिए, उसका नीचे देखिए तीन ऐसा आंख रहता है, उसमें एक आंख को ऐसा होल कर दीजिए। होल करके कोई बर्तन का नहीं तो ग्लास का ऊपर ऐसा रख दीजिए। कभी कभी लाइन चले जाता है, करंट नहीं रहता है, उसी टाइम आपको देखिए कैंडल जलाना पड़ता है। तो ऐसे हम जलाते हैं, कभी कभी नीचे भी गिर जाता है, अदरवाइज़ कभी कभी जल्दी ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन आपने शेल का ऊपर ऐसा प्रेस करके रखते हैं, उसके बाद आप जला के देखिए, दो घंटे तक आपका ये कैंडल जलेगा। मीन्स काफ़ी सारा टाइम तक ये आपका कैंडल जलते रहेगा। कितना यूज़फुल है ना ये टिप्स, आप यूज़ करके देखिए तब आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। नारियल का शेल का ऊपर रख के हमने कैंडल जलाते हैं ना, तब ये पिघलता है तो नीचे नहीं गिरता है, तो उसका ऊपर ही पिघल के रहता है, इसीलिए क्या होता है कैंडल बहुत देर तक जलता है। अभी नेक्स्ट टिप्स में बता रही हूँ नारियल का शेल का। देखिए हम पॉकेट में तेल लेके आते हैं, तेल लेके आने पर हमने एक बॉटल में उस काट के डालने के लिए जाते हैं, तब क्या हो जाता है पूरा नीचे गिर जाता है आधा, नहीं तो स्लिप होने का चांसेस रहता है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तब उसी टाइम आपने सेम मैंने बताया ऐसे नारियल का शेल को आप ले लीजिए, उसके बाद उसका तीन आंख रहता है, उसमें एक आंख को आपने पूरा होल कर दीजिए। उसके बाद है ना उसको आप देखिए ऐसा बॉटल का अंदर आप ऐसा रख दीजिए, उसके बाद आपने पॉकेट को काट के देखिए तेल ऐसा डाल दीजिए। एक सेकेंड का अंदर आपका एक लीटर का तेल बॉटल का अंदर चले जाएगा, एक ड्रॉप्स भी नीचे नहीं गिरेगा। देखिए कितना चमत्कारी है ना, ये शेल को हम फेंक देते हैं लेकिन फेंक के मत देखिए कितना सारा काम हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक ड्रॉप्स भी नीचे तेल नहीं गिरा है। वही हमने शेल के बिना डालने के लिए जाते हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है और आधा तेल नीचे भी गिरता है। देखिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ, एक ड्रॉप्स भी नीचे नहीं गिरा है, देख लीजिए पूरा मैंने अभी तेल डाल दिया है, एक लीटर का पैकेट था वो, पूरा मैंने अभी डाल दिया है। इतना इजी है, देखिए एक सेकंड का अंदर मैंने तेल पूरा डाल दिया है। अभी हमने इसको बंद कर देंगे, देखिए मैंने आपको अभी दिखाती हूँ, एक ड्रॉप्स भी नीचे नहीं गिरा है, देख लीजिए कितना अच्छा है ना। आप इसको ऐसे ही बना के देख लीजिए तब आपको इसका रिज़ल्ट पता चलेगा। अभी हमने वही नारियल शेल से अभी तीसरा मैंने टिप्स आपको बता रही हूँ। देखिए एक्चुअली हमने है ना घर पे शाम का टाइम सब हमारा नेगेटिविटी सब जाने के लिए हम क्या करते हैं पॉजिटिविटी के लिए धूप डालते हैं घर में। धूप डालने के लिए हमारे पास कोयला नहीं है तो दिक्कत हो जाता है, तब ये नारियल का शेल को आप फेंकते हैं उसको ही यूज़ कर दीजिए। देखिए ऐसा गैस को ऊपर थोड़ा हल्का रख दीजिए, उसके बाद थोड़ा हमारा शेल जलने के लिए चालू हो जाएगा, तब इसको निकाल लेंगे। और मैं आपको एक बात बता रही हूँ, इसको गैस को ऊपर आपके पास चूल्हा है तो वहीं पर आप जला सकते, नहीं है तो गैस को ऊपर ऐसे जला रहे तो आप थोड़ा केयरफुल होकर जलाइए, पास में खड़े होके इसको जला दीजिए और शेल का ऊपर थोड़ा आग लग जाएगा तब आपने तुरंत इसको हटा दीजिए, गैस को बंद करके इसको तुरंत हटा दीजिए। और आपने धूप हमेशा डालते हैं, कोई भी बर्तन रहता है ना आप धूप डालने वाला उसका ऊपर देखिए ऐसा रख दीजिए, पूरा जल के ये नीचे गिरना चाहिए, तब तक के लिए जलने दीजिए। अभी देखिए मैंने धूप दिखा रही हूँ, देखिए धूप ये बड़ा बड़ा धूप है तो इसको आप तोड़ दीजिए, तोड़ के हमने इसको यूज़ कर देंगे। देखिए पूरा जल गया है शेल, अभी इसका ऊपर मैंने देखिए धूप डाल रही हूँ। इससे क्या हो जाता है घर पे बच्चे भी रहता है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है ये धूप डालते हैं तो, और घर में कुछ भी नेगेटिविटी रहता है और काफ़ी सब लोगों को बोलते हैं हमको सोने का वक्त हमको बुरा ड्रीम सब आता है, वो सब ये आप धूप डालते हैं तो सब चले जाता है। तो ये देखिए इसके लिए भी हमने शेल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने फोर्थ आपको टिप्स बता रही हूँ
शेल यूज़ करके क्या बना सकते हैं बोल के देखिए। ऐसा आप शेल को निकाल दीजिए और उसके बाद पीछे उसका देखिए ऐसा रहता है, उसको सब जला के निकाल दीजिए, नहीं होता चक्कू से उसको क्लीन कर दीजिए। उसके बाद देखिए पूरा मैंने ऐसा जला दिया है, आपको चाहे तो आप चक्कू से भी क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसका अंदर एक ड्रॉप्स आपने तेल डाल के उसका अंदर अच्छी तरह आपने उसको स्प्रेड कर दीजिए। उसके बाद देखिए एक इडली का बर्तन ले लीजिए, उसका ऊपर पानी डाल के आप इडली का स्टैंड रख के पानी गर्म होने के लिए आप बंद करके रख दीजिए। 2-3 मिनट के बाद अच्छी तरह पानी बॉयल होने दीजिए, तब तक के लिए हमने नारियल का शेल का ऊपर हमने तेल डाल के स्प्रेड करके रखा था ना, उसका अंदर हमने देखिए इडली का आटा डाल दिए 3/4। उसके बाद देखिए पानी हमारा बॉयल हो गया है, उसका अंदर अभी हमने इसको रख देंगे। रख के हमने 5 मिनट तक इसको अच्छी तरह बॉयल कर देंगे। उसके बाद देखिए हमारा इडली कितना अच्छा आ गया है। हम इडली स्टैंड में रखे इडली बनाते हैं ना, उससे भी अच्छा ये नारियल का शेल में आप एक बार बना के देखिए, एकदम टेस्टी रहता है, इसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। आप 2 खाने में आप 4 इडली खा सकते हैं, एक बहुत अच्छा टेस्ट देता है, एक बार आप बना के देख लीजिए। और ये हेल्दी भी है, आप इस ऐसा एक बार बना के देख लीजिए तब इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। देखिए हमने नारियल का शेल से कितना सारा यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारा हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस ब्लॉग में मैं इतना ही दिखा रही हूँ। अभी नेक्स्ट ब्लॉग में मैंने आपको और भी नारियल शेल से क्या क्या यूज़ कर सकते हैं बोल के बता सकती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट हो गया इडली, ऐसे टेस्ट भी सुपर रहता है, आप एक बार ऐसा बना के देख लीजिए। फिर मुझे आपको अच्छा लगता है तो मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।